तोड़ते समय हरा रहता है, लगाते समय भी हरा रहता है, लेकिन उसके
रंग जाने के बाद में उसका कलर बदल जाता है, उसका जो कलर है मतलब वो रंग जो है वो दिखता नहीं है लेकिन उसका लाल रंग है। इसी प्रकार भागवत जी में भगवान कृष्ण का राधा का नाम है नहीं लेकिन वो वहाँ पर है उसके, लेकिन दृश्य नहीं हुआ। और चौथा का पांचवा कारण बताया है नदी और कुएं का जल, जो नदी का जल है वो कृष्ण की भक्ति है और कुआ का जल है जो राधा की राधा रानी की भक्ति है सरलता से प्राप्त नहीं होती है इसलिए नहीं होती बताया। नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर पी सकता है, इंसान चिड़िया सब के सब पी सकते हैं, लेकिन कुएं में अगर पानी होना वो पानी सभी नहीं पी सकते। कौन पी सकता है? जिसको पास में कोई रस्सी और कोई बाल्टी हो, नहीं तो कोई पात्र हो, कोई व्यक्ति कुएं का पानी पी सकता है। मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है अगर राधा जी की भक्ति प्राप्त करना तो अगर जिस संप्रदाय में राधा जी की भक्ति होती है, राधा जी की भक्ति होती है, अगर ऐसे संत जिस संत का हृदय राधा जी के भाव में सरा भरा हुआ हो, अगर ऐसे संतों की अगर हम शरण लेंगे तभी तो हमें राधा जी की भक्ति प्राप्त कर सकती है। इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय, कहते हैं ना ब्रह्मात्मो गौड़ीय, गौड़ीय मतलब क्या गौरी, गौड़ीय मतलब गौरी, गौरी से क्या गौड़ीय है, मतलब हम लोग किसकी उपासक है? श्री राधा रानी को उपासक है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण से तुम्हारे क्या संबंध है, बोले भैया हमारे कृष्ण से कोई डायरेक्ट हमारे कोई संबंध नहीं है, हमारे संबंध है तो श्री ईश्वर जी को साथ में ही हमारे संबंध है। हाँ संबंध है कृष्ण को साथ में, चूंकि कृष्ण हमारी राधा जी की प्रिय लगता है, प्रियतम लगते हैं, इसलिए हमारे संबंध है। लेकिन हमारी डायरेक्ट संबंध किसको साथ में है? श्री ईश्वर जी को साथ है, श्री ईश्वर जी को साथ में। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम श्री ब्रह्म मात्र गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय, कितना वैष्णव संप्रदाय? महापुरुष में उसका राजधानी था गौड़, उसलिए भी गौड़ है, और महापुरुष का नाम श्री गौरांग, महापुरुष का नाम श्री गौरांग, इसलिए भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय। और विशेष करके जिसमें से राधा रानी की विशेष पूर्वक जिसमें उपासना होती है इसलिए भी उनको बताए गौड़ीय नाम बोले। इसलिए हमारे डायरेक्ट संबंध किसको साथ में? श्री राधा रानी को साथ में। इसलिए पद्म पुराण कहता है अगर कलयुग में किसको भक्ति करनी है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं चार वैष्णव संप्रदाय बनाऊंगा, चार वैष्णव संतों को भेजूंगा। अगर किसको कलयुग में भगवत प्राप्ति व मेरे पास में आना है, यदि चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय को अगर हम ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी कहते तो मेरे पास में आ सकते हो। बोले वो चार ही कौन है? बोले पहला नंबर है माँ लक्ष्मी, जिसमें आचार्य श्री रामानुज आचार्य है, स्वयं लक्ष्मण है। दूसरा संप्रदाय श्री ब्रह्मा जी, जिसमें हम लोग संप्रदाय आए हैं श्री मध्वाचार्य है। तीसरा संप्रदाय श्री रुद्र शंकर जी, जिसमें श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय है, जिसमें श्री बल्भाचार्य आदि जो बड़े बड़े संत लोग आए हैं। चौथा संप्रदाय सनक ब्रह्मा जी की जो चार मानस पुत्र है उससे श्री निम्बार्क संप्रदाय आया है। इसलिए कहते हैं अगर कलयुग में हम भगवान की भक्ति करेंगे, कहते चार ही संप्रदाय से अगर एक संप्रदाय को हम ग्रहण करेंगे, इसलिए पद्म पुराण का श्लोक है बोले संप्रदाय विहीना जे मंत्र स्ते विफला मता अतः कलो भविष्यति चत्वार संप्रदाय। भगवान स्वयं कहते कलयुग में अगर कोई चार संप्रदाय को छोड़ करके अगर और कोई मंत्र ग्रहण करते हैं, शास्त्र कहता है वो मंत्र का कोई फलीभूत नहीं होगा, वो मंत्र से मेरे को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? बोले तुम लोग मेरे लाइन में आए नहीं, ये चार संप्रदाय में कोई संप्रदाय नहीं। इसलिए अगर मेरे पास में आना चाहते वो क्या करना पड़ेगा, इसी में कोई एक वैष्णव संप्रदाय को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने पर जैसे देखो आप बोलोगे क्यों
भगवान की भक्ति करने के लिए सब नियम की क्या जरूरत है, हम जैसे होगा अपना इच्छा करें। भगवान गीता में कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं गीता में, जह शास्त्र विधि मुत्सुर्य वर्तते कामचारत न सह सिद्धि आप्नोति न सततम पराम गति। कृष्ण कहते हैं मैंने जो विधि विधान दी है, अगर ये विधि विधान को छोड़ करके अगर कोई मनमर्जी भक्ति करे तो भगवान कहते कभी उसको सिद्धि नहीं होगी, उसको कोई गति परम गति ही नहीं होगी। इसलिए मैंने जो शास्त्र में विधि विधान दिया है उसी अनुरूप चलना पड़ेगा तुमको, तभी कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। जैसे देखो इस संप्रदाय का क्या जरूरत है, जैसे हम लोग पास जो मंत्र है कहाँ से आए, सर्वप्रथम जब भगवान नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए उसी समय में उन्होंने चारों तरफ में पानी पानी देखा, फिर कमल नार में प्रवेश किया कहीं मिला ही नहीं कुछ, फिर ऊपर में आए, फिर उन्होंने व्यंजन करने का सोलमा और एकोस नाल था मिनी किए शब्द सुने तब ब्रह्मा तपस्या किया, जब तपस्या किया फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहते ये बंसी ध्वनि को द्वारा ये गोपाल मंत्र प्रदान किया है। हम लोग जो गोपाल मंत्र जब करते हैं ये कृष्ण स्वयं बंसी ध्वनि से ब्रह्मा जी को उन्होंने ये गोपाल मंत्र प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी क्या किया, फिर ब्रह्मा जी अपना बेटा किसको, उसने नारद जी को दिया, फिर नारद जी किसको दिए, बोले नारद जी, फिर उन्होंने श्री मध्वाचार्य व्यास देव को दिए, फिर व्यास देव जी क्या किए, उन्होंने मध्वाचार्य को दिया, फिर मध्वाचार्य क्या किया, फिर लक्ष्मीपति तीर्थ को दिया। कहते ये जो मंत्र है ये भगवान से शिष्य परंपरा रूप में ये मंत्र जगत में आया है, इसलिए चार संप्रदाय में जो मंत्र है वो डायरेक्ट भगवान से ये मंत्र आया, डायरेक्ट ठाकुर जी से मंत्र आया। इसलिए कहते अगर इसी परंपरा में कोई जुड़ेगा तो क्या होगा, एक दिन जरूर वो ठाकुर के पास में वो पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पर बताए भक्ति करना तो किसी वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के जब भगवान को भजन करेंगे नाम करेंगे फिर हम कहीं गलत रास्ता पर हम नहीं जाएंगे, सही रास्ता पर हम ठाकुर का सही पूजा सेवा भोग कैसे लगाओगे, ठाकुर का सेवा पूजा कैसे, वो एकदम विधि विधान रूप में ये संप्रदाय भी प्राप्त होता है। और ये जो चार संप्रदाय का जो मंदिर है ना, वो वृंदावन में सब संप्रदाय का मंदिर है, चार संप्रदाय का जो मंदिर वृंदावन में पहले से है। ये जैसे आप देखते हो रंगजी मंदिर, ये श्री श्री संप्रदाय का है, जब निबाध संप्रदाय का आप देखोगे लोई बाजार में बहुत बड़ा मंदिर है वो वहाँ के संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये ब्रह्मा जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये ब्रह्मा जी को स्वीकार किया, बोले ब्रह्मा जी को क्यों स्वीकार किया, बोले आप लोग बरसाना गए हैं, कौन कौन बरसाना गए, आप लोग गए हैं जैसे सीढ़ी को पार करोगे ना, तो सीढ़ी को पार करोगे आप देखना सीधा हाथ पर ब्रह्मा जी की तपस्या स्थल है। ब्रह्मा जी 60,000 साल उन्होंने बरसाना में उन्होंने ये पहाड़ बन करके उन्होंने तपस्या की राधा जी को कृपा को प्राप्त करने के लिए, हैं राधा जी को कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा किसी संप्रदाय में राधा रानी की भक्ति है, राधा जी की प्राप्ति भी इनके हृदय में लोभ है, तब उन्होंने बरसाना में उन्होंने ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुई। इसलिए देखा उसी संप्रदाय में 8 है उसमें सन्यासी है जो गोपी भाव से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो उपासना करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया जिसमें राधा जी की भक्ति है, राधा जी की भक्ति है। इसलिए हम लोगों ने पहले ये सब बात हमने सुने कैसे चार वैष्णव संप्रदाय ने कैसे भागवत का राधा जी का नाम फिर कहाँ कहाँ पर हमने पहले सुना था। एक कौन को था इसलिए हम लोग पहले श्रवण किया था भागवत का जो प्रथम श्लोक है, जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने उच्चारण किया है प्रथम श्लोक को सबसे पहले उन्होंने श्री राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया। बोले राधा रानी को क्यों प्रणाम किया, बोले नियम है कोई भी आप काम करते हो कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बोले बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए।
अगर भगवान अगर गुरुदेव खड़े हुए तो किसको प्रणाम करनी चाहिए? पहले श्री गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के चरणों को में दिखाने वाले श्री गुरु जी है। इसलिए बोले प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्जनं कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति जनता निष्फल भवति। ये कृष्ण स्वयं कह रहे बोले हे उद्धव, पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, उसको बाद में मेरी पूजा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु जी को पूजा किए बगैर डायरेक्ट अगर मेरी पूजा करता है, उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन थे? श्री राधारण कहते ना, श्री सुख उबाचा, बीच में मध्य पदे के लोग है, है? ये समास बद्ध होकर के ये हो गया श्री सुख, बीच में कौन शब्द है? प्रिया, श्री प्रिया सुख, मतलब राधा जी की ये पालतू तो सुख है, है? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी, इसलिए नियम है अपना गुरु जी को पहले प्रणाम करनी चाहिए। और गुरु जी को जो प्रणाम कर नियम है, गुरु जी को हृदय में बताए ना, श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम को नहीं लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हृदय में छुपा करके उन्होंने पहला श्लोक जो उच्चारण किया है, तब सबसे पहले उन्होंने श्री राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए उसको विषय पर हम लोगों ने पहले श्रवण किया था, इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। श्री विश्वनाथ गुरु ठाकुर ने इसकी विस्तृत व्याख्या बताया है, एक एक शब्द कैसे श्री राधा रानी को लगता है। अभी हम दूसरे श्लोक सुनते हैं। कहते और कहां पर भागवत में राधा जी का नाम? कहते जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने कृष्ण को ढूंढ रहे थे, लता पता सबको पूछ रहे थे, कहीं कृष्ण को दर्शन किए हो, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहे। इतने में गोपियों ने कहा देखो कृष्ण का भजन सबसे कृष्ण को प्यारा है। कृष्ण स्वयं कहते हैं ना, नाम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, नारद जी बोले प्रभु कहाँ रहते हो? भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे सत्संग करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए गोपियों ने कहा देखो कृष्ण को उनको भजन सबसे प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठ करके गोपी गीत को गाएंगे, हैं? बोले जमुना किनारे में क्यों बैठेंगे? तो ये यमुना है, ये विशाखा है, ये अनुराधा इनको बताए, कहते इनकी कृपा के बगैर कृष्ण प्राप्ति हो ही नहीं सकती, जमुना की कृपा के बगैर। ये अनुराधा है, राधा रानी की छोटी अनुराधा है, कहते इनकी कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकता है। कहते यमुना कौन है? बोले कोई साधारण नदी नहीं, एक समय भगवान अपना राग 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 को उन्होंने सुने, जब सुने भगवान के शरीर से पसीना गया, मैया जसोदा मोटी मोटी काजल लगा दी थी, वो पसीना काजल से मिल गई तो क्या हो गई? काली हो गई। जब वो पानी भगवान के हृदय को स्पर्श करते हुए और बहते बहते जब चरणों को स्पर्श करते हुए निकली, ये कौन है? श्री यमुना भटरानी, श्री यमुना महारानी की जय। इसलिए ये यमुना साधारण कोई नदी नहीं। कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के ये बहने लगती हैं, ये कौन है? श्री यमुना भटरानी। कहते गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले कृष्ण का जो प्रेम है जो पूंजीभूत होकर के कहीं एकट हो जाते हैं, ये कौन से गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए ठाकुर जी हम लोगों पर में कृपा करने के लिए ये दो चीज को हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी छोड़ कर गए हैं। हमारी कल्याण कैसे हो, कैसे होगा? गिरिराज कृपा से और से जमुना भटरानी से। इसलिए जमुना भगवान की अत्यंत प्रिया है, इसलिए बोले चलो जमुना किनारे में बैठ करके उनका आशीर्वाद से अगर हम कृष्ण कीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रकट होएंगे। इसलिए जो गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, कौन सा श्लोक है बोलो? जय Ah.
रखना ब्रज। ये गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर, जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लिए हो तब से ये ब्रज की जयजयकार हो रहा है। अब विशेष करके जब से तुमने जन्म लिए, पहले तो था लेकिन तुम जन्म होने पर ये जो वृंदावन धाम की विशेष विशेष महिमा बढ़ गया से वृंदावन धाम को, इसलिए कि वृंदावन धाम क्या हो गया, बोले श्रयत इंदिरा। इंदिरा मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। लक्ष्मी को इंदिरा कहते हैं। इंदिरा मतलब कहते जो वृंदावन धाम है ये लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई। लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गया मतलब यहाँ पर फिर लक्ष्मी कौन है, बोले लक्ष्मी मतलब होता है राधा रानी, जैसे रामायण है। अगर रामायण में अगर कहीं लक्ष्मी का शब्द आएगा तो किसके लिए आएगा, इसलिए अगर कहीं कृष्ण लीला में कहीं लक्ष्मी शब्द आती है, इंदिरा शब्द आती है, किसके लिए आएगा, श्री राधा रानी। इसलिए माना गोपी होने सबसे पहले श्री, इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रत्न चले आएंगे बिहारी। जब राधा रानी का कृपा हो तभी तो बिहारी जी मिलेंगे, तो बिहारी जी मिलेंगे कैसे। इसलिए मानो यहाँ पर कहते हैं हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लिए हो तब से ये वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम। इसलिए यहाँ पर जो इंदिरा शब्द किसके लिए बोले, श्री राधा रानी के लिए। अभी रासलीला में देखो, रासलीला का जो पहला श्लोक कौन सा श्लोक रासलीला का पहला है जानते हो, हाँ, भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायां उपासिता। हाँ, ये रासलीला का ये पहला श्लोक है। कहते यहाँ पर जो जोग माया शब्द दिया है, क्योंकि राधा जी के आदेश है ना मेरे नाम को कहीं लेना नहीं, इसलिए यहाँ पर जोग माया मतलब भगवान से जो जोड़ देती है। अभी कृष्ण के पास हम कौन पहुंचाने वाले हैं, राधा रानी। राधा जी कृपा होगा तब तो कृष्ण मिलेंगे, राधा जी कृपा के बगैर तो कृष्ण मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बताए अब लोग यहाँ पर वृंदावन में रासलीला देखे हो, अब देखना रासलीला में जब रासलीला प्रारंभ होती है राधा रानी सिंहासन में बैठ गई, कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में आते हैं, बोले हे राधे हे रासेश्वरी, तुम तो रासेश्वरी हो, तेरे बगैर तो रास हो ही नहीं सकता है, रास का समय ले गया है, हे ईश्वरी जी आप कृपा करके रास में पधारो। क्योंकि रासेश्वरी कृष्ण नहीं है, रासेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए जब रास हो रही थी, जब राधा रानी मान करके जब देखा हर गोपियों के साथ में एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, इतने में राधा रानी की हो गई मान। क्यों, कृष्ण सबको साथ में भी और कृष्ण मेरे साथ में, उनको वही मान। जब मान करे तो उन्होंने रासलीला छोड़ दी, राधा रानी जब मानी भी होकर चली गई, फिर क्या हुआ, श्याम सुंदर ने समस्त गोपियों को उन्होंने परित्याग करके केवल राधा रानी को ढूंढने के लिए श्याम सुंदर क्या किया, उन्होंने रास को समस्त गोपियों को उन्होंने परित्याग किया। परित्याग करते हुए हे राधे तुम कहाँ हो, कृष्ण राधा जी का नाम को लेकर श्याम सुंदर रो रहे थे, लता बताओ पूछ रहे थे हमारे राधा जी कहाँ हैं, और कुंज में बैठ कर कृष्ण रोने लगे, बोले हे राधे तुम कहाँ चली गई, मेरे को छोड़ कर तुम कहाँ चली गई। फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण तो चलिया है ना, इतने में कृष्ण एक कुंज में गए, एक कुंज में जा करके अपना ड्रेस को बदला दिया, अपना ड्रेस को उन्होंने बदला दिया, बदला करके एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया, धारण करते क्यों राधा ने मान कर ली ना, मान कर ली। इतने में बोले देखो एक काम करो, चलो हम दो दो हो करके कृष्ण जब राशि कृष्ण जब चलेंगे फिर उन लोगों ने किया, हम दो दो हो करके कृष्ण को ढूंढेंगे, कृष्ण तो चलिया है ना, कृष्ण स्वयं श्यामा सिंह बन गई, बन करके राधा रानी को छोड़ दी, बोले चलो हम श्याम से बगैर ढूंढेंगे। इतने में कृष्ण राधा रानी को कुंज में ले गए, कुंज में ले करके यहाँ पर श्रृंगार बटे ना देखे कि नहीं, श्रृंगार बटे जहाँ पर कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी को बड़ी सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ी इसलिए उसका नाम पड़ गया श्रृंगार बट, उसका नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर जो रासलीला का जो पहला श्लोक है वो किसका किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, श्री राधा रानी के लिए प्रयोग किया, क्योंकि राधा रानी के बगैर ही रास असंभव है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से राधा रानी के चरणों को उन्होंने वंदना करते हैं, प्लस श्रीमती राधा रानी की जय।
अभी गोपी गीत उन लोगों ने गाए, जब गोपी गीत गाए गोपियों की गीत को सुन करके कृष्ण स्वयं मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के कृष्ण गोपियों के अंदर में कृष्ण प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं आप लोग सुने होंगे कुछ गोपियां जाकर तो कृष्ण का चरण पकड़ ली, कुछ गोपियां जाकर कृष्ण को गल बैठी हैं, कुछ गोपियां जाकर कृष्ण को दुपट्टा को पकड़ ली, कुछ गोपियों ने कृष्ण को तांबुल मांग रहे थे प्रभु आपके तांबुल दो, लेकिन कुछ गोपियां पास में खड़क नहीं रहती, वो दूर में खड़ी थी कुछ गोपियां। लेकिन एक गोपी उसमें जो थी अलग थी, प्रेम समृत अभी बोला, लेकिन एक गोपी दूर में खड़ी होकर ना एकदम टेढ़ी भौंगे करते हुए तेरी नजर से जैसे कृष्ण को जैसे तीर मार दी, पूरा टेढ़ी करके भौंगे से कृष्ण को देख रहे थे। लेकिन आप भागवत पढ़ोगे वहां पर किसका नाम नहीं दिए ये गोपियां कौन कौन किसका नाम नहीं दिया, लेकिन हमारे जो सनातन गोस्वामी ने नाम दिया है। सनातन गोस्वामी कौन है? लवंग मंजरी राधा रानी की एक सखी सनातन गोस्वामी, वो सारे बात वही बोल देते हैं। कभी देखो जो चीज को श्री सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में स्पष्ट रूप में नहीं बताए, ये तो बता दिए ये गोपियां खड़ी है लेकिन स्पष्ट रूप में कहीं बताया नहीं, लेकिन ये चंचल गोपी ने बता दिया। बोले जो वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्थ, तीन तरह का गोपियां है, एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्थ। स्वपक्ष मतलब क्या? जो केवल राधा जी की खुश में खुश रहती है, राधा जी को प्रेम करती है। बोले तटस्थ मतलब क्या? बोले वो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं लेकिन राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, लेकिन कौन है? बोले ललिता विसखादि सखियां, लेकिन दोनों को तो प्रेम करते हैं लेकिन ज्यादा राधा जी की तरफ में झुके हुए हैं, राधा राधा जी की तरफ में। और कुछ गोपियां हैं जो राधा जी को नहीं मानती हैं, वो केवल कृष्ण को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? कभी ये कौन है? बोले चंद्रावली आदि सखियां है, ये चंद्रावली आदि सखियां है। इसलिए यहाँ पर बता दिए जो कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रखे, जो भगवान को गलवैया दी, ये कौन है? कहती ये चंद्रावली के दल है, विपक्ष पार्टी जो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन जो दूर में खड़ी थी वो पास में खटक नहीं रही थी वो कौन है? बोले ये ललिता विशाखादि सखियां है। लेकिन जो एक दूर में एक गोपी भौंगे टेढ़े करके जो खड़ी हुई थी, कृष्ण और इसको तरफ में नहीं देख रहे थे, कृष्ण की नजर और कहीं था नहीं, कृष्ण तो वही अकेली गोपी को तरफ में कृष्ण देख रहे थे। तब वो कहते भैया वो गोपी कौन रहे हैं? वो गोपी कौन है? बोले श्री राधा रानी, वो राधा रानी है। इसलिए कहते भैया तुम भले ही प्यार पकड़ लो, चरण पकड़ लो, तांबुल मांगो, कपड़ा पकड़ो, लेकिन देखो देखो तो सही श्याम सुंदर किधर देख रहे हैं? श्याम सुंदर का नजर तो और किसके तरफ नहीं, किसके तरफ में? श्री पास में खड़े हुए श्याम सुंदर खड़े, वैसे श्याम सुंदर की जय हो, राधा रानी की जय हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री राधा जी के नाम को सुखदेव गोस्वामी छुपा कर दिए। फिर जब रासलीला हुई थी, जब गोपियां ढूंढ रही थी, किसको ढूंढ रहे थे? कृष्ण को ढूंढ रहे थे। गोपियां कहां पर है? जब उन्होंने लता पता सबसे पूछे, कोई उत्तर नहीं दिया, इतने में उन्होंने पृथ्वी से पूछे, बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, पृथ्वी सर्वत्र है ना, सब जगह फैली हुई है, तुम्हें तो पता होगा जरूर कृष्ण कहाँ गए। लेकिन जब नीचे उन्होंने देखा, इतने में कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, सब गोपियों ने पहचान लिया। बोले क्यों? ये स्वपक्ष विपक्ष और तटस्थ जो गोपियां हैं, ये सबके सब कृष्ण के चरण की सेवा करते हैं। इसलिए कृष्ण के चरण में जो उन्हें से चिन्ह बताया गया, उनको पता है कृष्ण के चरण में क्या क्या चिन्ह है, इसलिए उन्होंने कुछ चिन्हों को देखकर पहचान किया। किसका चिन्ह है? कृष्ण का चिन्ह पहचान लिया। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, देखा कृष्ण के दो चरणों के बीच में एक छोटी सी प्यारी बड़ी सुकुमारी के चरण चिन्ह है, लेकिन वो चरण चिन्ह में सब नहीं पहचान पाए। सब जो कृष्ण पक्षे है, जो चंद्रावली पक्षे है, जो केवल कृष्ण को मानते चरण की सेवा, वो नहीं पहचान पाए। क्यों? राधा जी के चरण की सेवा करते हैं पर पता नहीं चलेगा राधा जी के चरण में क्या चिन्ह है। लेकिन जो राधा जी के चरण को सेवा करने वाली, जब उन लोगों ने देखा ना, प्रेम में गदगद हो गए,
वो प्रेम में गदगद हो गए, बोले देखो देखो तो सही, श्याम सुंदर लेकर गए थे, किसको लेकर गए? हमारी सखी को लेकर गए, हमारी श्री किशोर जी को लेकर गए। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा है ना, प्रिया सुख श्री वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुम बने। सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये राधा जी की प्रिय सुख है। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे दो दल में अगर खेल होता है ना, जिस दल जीत जाता है वो क्या करता है? संघ का दल बजाता है। हमारे विजय हुई, विजय किसकी हुई है? हमारी विजय हुई, संघ का दल करते हैं। तो ये जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने उच्चारण की, भले ही तुम लोग मानते हो कृष्ण हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन देखो तो सही, यहाँ पर सब गोपियां थी, यहाँ पर सबके सब थी, लेकिन लेकर गए तो कृष्ण किसको लेकर गए? बोले अनया राधित मुनम भगवान हरिश्वर। कहते यही गोपी सर्वोत्तम रूप में कृष्ण को सेवा की है, इसलिए श्याम सुंदर किसको लेकर गए? इसलिए राधा रानी को लेकर गए। इसलिए कहते हैं जो श्लोक है वो संत निराम करके कहते हैं, सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वदा गीता कहते हैं, सर्वो गोपेषु सर्वैका विष्णु रतंत वल्लभा। इसलिए समस्त गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती है, किसकी? श्री ईश्वर जी, श्री ईश्वर जी की, राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की। इसलिए उन्होंने ऐसे ही उन्होंने दिखाया भागवत में राधा जी का नाम, सुखदेव गोस्वामी कहां कहां पर किस रूप में उन्हें राधा जी का नाम लिया है, बड़े सुंदर रूप में उन्होंने टीका में ये सब चीज दिए हैं, गोस्वामी ने टीका में ये सब चीज दिए हैं। इसलिए राधा जी का जो भजन है दुर्लभ भजन, राधा जी का भक्ति कहते ब्रह्म सुरादि सुदुर्लभ पदार्थ मतलब राधा रानी की जो चरण है ये ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्माचल पर्वत बन करके आए, ईश्वर मतलब शंकर जी गोपेश्वर वहां कर शंकर जी गोपी बन करके आए ठाकुर जी की रास दर्शन करने के लिए। इसलिए कहते हैं नारद जी नारद कुंड में बैठे, उद्धव जी जब ब्रज में आए कितना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की नो। इसलिए उद्धव जी जब राधा रानी के प्रेम को उन्होंने उद्धव किया जी ने दर्शन दी, उद्धव भी सीधा हो गए हैं। और उद्धव जी क्या कहते हैं? आशा मोह चरण रेणु जुषा मम श्याम वृंदावन किम अपि गुणमल तो सुधरा। प्रार्थना करते हैं क्या मेरे ऐसे सौभाग्य कभी होगा वृंदावन में कभी घास भूसा बन गया, बोले घास तुम बनना चाहते हैं। बोले जब श्री किशोर जो गोपियां जब कृष्ण को साथ में मिलने के लिए जाएंगे, अगर घास बने रहेंगे तो चल कर तो जाना पड़ेगा, अगर घास बने रहेंगे तो क्या होगा उनके चरण में मिल जाएगा। तब वहाँ लता पता बनना चाहते हैं, बोले लता पता क्यों बनना चाहते हैं? बोले प्रमद मदन लीला तंदरे तंदरते रचय नवजुन तंदमस्मी मंदम कृष्ण तंदरा तंदरा में कुंज कुंज में ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला की। अगर लता पता बन करके रहेंगे तो दर्शन पा जाए। बोले उन्होंने औषध वृक्ष रूप में प्रार्थना की। बोले क्यों? बोले कभी बीमारी पड़ेंगे तो दवा तो देंगे, फिर उनका हृदय लगा। उद्धव जैसे व्यक्ति जिनके चरण में एक धूल को राधा रानी के चरण की एक धूल को वंदना करते हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह पर ऐसे ही हमारे गोस्वामी ने श्री राधा रानी का नाम को उन्होंने दिया है। ठीक है, समझ गए थे? प्रमुख समझ में आ गए। अभी हम चरण को उठा लें जो लगा राधा रानी की जो इतना महिमा हमें पता नहीं चलता, श्री चैतन्य महाप्रभु का वजह से कृष्ण ईश्वर हम सबरे महाप्रभु कथा सुन रहे ना, सबरे महाप्रभु कथा सुन रहे ना सबरे, आगे सुनेंगे महाप्रभु आए तो क्यों आए, किस लिए आए, उन्होंने क्या किया, इस विषय पर सुनेंगे। कोई रावी जिस महाप्रभु के सामने कोई रावी कह देता था
तो मूछ आ जाती है। ओम अज्ञात विराजस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग स्फट सूत्रोज्ज्वलकरः विशालाक्षौ दीर्घार गलयुगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य पुनर्विदृश्योर्यास्ति पदम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तश और भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तश भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा सदैव जयुक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया समस्त बटुकजन सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ यथायथ। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री महाराज श्री गुरुदेव के श्रीमुख से। देखिए साक्षात हम लोगों पे अत्यंत भगवान श्री गोविंद से पहले श्री राधा रानी की कृपा है कि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्राप्त हो रहा है। और श्रीधाम वृंदावन में हम लोगों को ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करने का सदा सौभाग्य प्राप्त होता रहे यही उनके चरणों में कामना है प्रार्थना है। देखिए श्री गोविंद आए हैं भगवान श्री गोविंद आए हैं तो श्री गोविंद ब्रज में पधारे हैं उससे पहले सबसे पहले श्री नंद बाबा ने श्री वृषभानु जी के यहाँ जाकर के श्री राधा रानी को देख करके और श्री वृषभानु महाराज हैं उनके यहाँ जाकर के पहले आह्लाद लिया है। जब आह्लाद लिया है तब जब आह्लाद आ गए तब श्री गोविंद नंद के लाल बने हैं। तथा आरभ्य नंदत्सव ब्रजे सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम भूरिर्भुवः। जब सुखदेव गोस्वामी नंदोत्सव का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि वहां पर साक्षात आह्लादिनी श्री राधा रानी की कृपा नाचती घूम रही है। तथा आरभ्य नंदोत्सव ब्रजे सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम भूरिर्भुवः। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कृपा को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग श्री राधा रानी की अद्भुत कृपा है क्यों नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि माया के कारण अति सामर्थ्य इंद्रियों घाता मनो अनव्यस्थानात व्यवधानात अभिभावात समानाध्यराज कपिल देव कह रहे हैं अति पूरा। ये जो श्रीधाम वृंदावन है इसमें सब कुछ सारी की सारी चीज एक शब्द पर निर्धारित है श्री जी की कृपा की ओर श्री जी की कृपा। यहाँ का चंद्रमा भी विशेष है यहाँ की रात्रि भी विशेष है स्थल भी विशेष है। आप चंद्रमा ही ले लीजिए ये दिव्य श्रीधाम वृंदावन के अंदर चंद्रमा कैसा है पूरब पयो ग्रहण
का दिव्य आलिंगन है श्री राधा रानी को, इसलिए चंद्रमा मनसु जागृत चक्षु, यही कारण है। अन्य प्रकार की दिव्य दिव्य विभूतियां, अन्य प्रकार के ब्रज के विलक्षण विलक्षण चरित्र श्री भगवान के हम लोग को सदा सुनने को प्राप्त हुए, यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। देखिए भगवान की अतिशय अतिशय कृपा है, श्री गुरुदेव ने बताया है। देखिए श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण के हाथ में श्री धाम श्री वंशी सदैव विराजमान रहते हैं। हमारे संप्रदाय में वंशी को कहा जाता है वंशी तत्र प्रेम रूपिका, वंशी ही प्रेम रूपिका है श्री कृष्ण की। और अगर वंशी नहीं रहती तो गोपियां वंशी के बिना श्री कृष्ण को नहीं देखती है। वंशी जो है उसके बिना श्री कृष्ण को गोपियां नहीं देखती है। वंशी रहनी श्री गोविंद के यहाँ पे हाथ में जरूरी है। एक बार क्या हुआ, श्री राधा एक बार सारी की सारी सखियां और श्री कृष्ण में दोनों में संवाद हुआ कि चलो कुछ क्रीड़ा करें कुछ खेले। तो ठाकुर जी बोले कि चलो क्या खेले, तो सारी की सारी सखियां बोले चलो छुपम छुपाई खेलते हैं, ठीक है ना, हाइड एंड सीक जिसको बोलते हैं, तो चलो वो खेलते हैं। तो सब छुप गए। तो अब श्री कृष्ण बोले कि अब मैं पहले मैं छुपता हूं, आप लोग ढूंढो। तो श्री कृष्ण छुप गए। दशम के 29वें का
वाक्येषु इत्ते नाम श्री कृष्णार्थ चरित्रे, श्री भगवान के चरित्र को सुनने से ही श्री भगवान में प्रेम होगा, वरना समय बीत जाएगा और उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई धीर ना धरे बोला हाय।